नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड नाम से साझा निवेश कोष के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके यूनिट में निवेश करने वालों का पैसा सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संगठनों के बॉन्ड में लगेगा। ETF से खरीदारी भी हो सकती है। इसकी सबसे छोटी इकाई 1000 रुपये होगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए भारतीय ड्रग्स रेगुलेटर ने सभी राज्यों से कहा है कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाए। इस निर्णय से ऑनलाइन दवा कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में राज्य कंपनियों पर कैसी कार्रवाई करेंगे। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने भी बुधवार को कॉल और डेटा के बढ़े हुए टैरिफ की घोषणा कर दी है। इसमें करीब 39% तक का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई दरें 6 दिसंबर से लागू होगी। हालांकि यह प्रतिद्वंदियों से 18-25% तक कम है। आर्थिक ग्रोथ की समस्या से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र के आंकड़ों से राहत मिली है। सेवा क्षेत्र ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और 3 माह में यह सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसका PMI 50 से बढ़कर 52.7% पर पहुंच गया है, जो कि अच्छा संकेत है। प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्याज के दामों में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि आम जनता प्याज के नाम से भी डरने लगी है। कोलकाता में तो प्याज के दामों में आग ही लग गई है। यहाँ खुदरा बाजार में 160 रुपये प्रति किलो प्याज बिक रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।